हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर क्रैश कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन योर लेक्चर सेवन एपिसोड्स यहां पे अगेन हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से जुड़े जो है कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे अब आज के लेक्चर में वी विल बी टैकलिंग थ्री मेन इश्यूज सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक जो कि जरूर आता ही आता है विच इज़ टू डील विद योर ग्रास रूट गवर्नमेंट्स और योर लोकल गवर्नमेंट्स राइट तो आपके सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट के तहत बनी गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज आर टू टॉपिक्स दैट आर डेफिनेटली टू कम राइट वी विल बी टैकलिंग अ क्वेश्चन विद रिलेटेड टू दिस And two other things, two other dimensions, where questions can come, especially with regard to the issues in news, are institutions. So here we will be looking at two such statutory bodies: the National Commission for Minorities and the National Human Rights Commission. Right? Both of these bodies have been in news, right, because of the issues regarding flouting of minority rights, as well as the problems and issues that have been.

टेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसके अंदर चार हाफ लाइन टेस्ट होंगे एंड छः फुल लाइन टेस्ट होंगे बट साथ ही साथ में जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स के लेक्चर्स टू हेल्प यू रिटेन डायनामिज्म इन योर आंसर्स एज वेल एज ऑफ स्कॉलर्स एज वेल एज इंपॉर्टेंटली स्कॉलर शीट्स वो चाहे चीट शीट्स जहाँ पे हर टॉपिक के साथ जो है आपको स्कॉलर्स यू किन कोट मिल जाएंगे साथ ही साथ में आपको एडिटोरियल्स की कंपाइलेशन अपार्ट फ्रॉम

ट अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यूर अ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए आस्परेंट, तो हमारे पी एस आई आर के नॉर्मल कोर्सेज भी जो है वो ऑन गोइंग है दैट यू कैन एनरोल इन बाई कॉलिंग ऑन एटीन हंड्रेड ये वाला नंबर एटीन हंड्रेड एट नाइन्टी थ्री जीरो फोर थ्री एट तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ नाउ दीज आर रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन हाउएवर इन क्वेश्चन को आपने किस तरह से ऑप्शनल्स की ओरिएंटेशन इसमें लानी है किस तरह से पी एस आई आर लायक जो है बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन अंडरस्टैंडिंग ना द क्वेश्चन स्टेट्स एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया ठीक है ट्वेंटी मार्कर ये क्वेश्चन है स्टेट आपको क्या पूछ लिया है कि ये जो हमारी लोकल बॉडीज हैं चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो हाउ आर दे इन द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया राइट right? तो अब ऐसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है सो द फर्स्ट थिंग दैट अबाउट इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट ए व्हाट वॉज द लॉजिक जिसके कारण जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की द सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत योर पी आर आईज एंड एल बीज वेट सो यू कैन रेफर टू गांधी एन आइडिया ऑफ डिसन राइट यू कैन कोट अदर स्कॉलर्स इन सब बेसिस पे जो है आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं देन यू मूव टू कॉन्क्रीट पॉइंट ऑन हाउ इट विल लीड टू डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसीज हेयर अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू स्ट्रक्चर देअर था राइट अगेन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जैसे पॉइंट्स याद आते रहते हैं उनको लिखते रहते हैं नहीं स्ट्रक्चर कीजिए अपने पॉइंट्स को एंड स्ट्रक्चर आप कैसे कर सकते हैं सब हेडिंग्स देखे फॉर एग्जाम्पल माई पॉइंट फर्स्ट पॉइंट वेन आई रेफर टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ पी आर आईज एंड यू एल पी इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कैन से ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन प्लस पार्टिसिपेशन ठीक है तो इससे जुड़ी जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं इसमें डाल दूंगी देन मैं नेक्स्ट सब हेडिंग कैन बी एंशोरिंग डिलिबरेशन उससे जुड़े जो पॉइंट्स है मैं इसके नीचे डाल दूंगी तो इसी तरह से आप सब हेडिंग्स बनाते जाइए वाई बिकॉज इट मेक्स द वर्क ऑफ एवेल्युएटर इजी एंड दुएटर नोज दैट ऑन दीज से फाइव सिक्स डायमेंशन इस बच्चे ने मुझे बता दिया है कि कैसे ऑन दीज फाइव डायमेंशन democracy is being deepened by the use of pri's and ulbs right so this is something that is very important that you should keep in mind

इशू एंड द नीड फॉर योर लोकल गवर्नमेंट योर वेरी इंपॉर्टेंटली पी आर आईज एन यू एलबीड जॉर्ज मैथ्यू की आर्ग्यूमेंट जो कि कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने क्या किया है दे हैव एनेबल्ड द ओपनिंग ऑफ फ्लड गेट्स ऑफ डेमोक्रेसी राइट सो दे से दैट बाय द सेवनटी थर्ड एंड द सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट Has been brought to India, which has enlivened the idea of Gandhian directive principles, Gandhian decentralization, the idea of establishing Panchayati Raj and other local self governments at the grassroots in India. Okay? साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली जितेंद्र रात समीर पांडा इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले अगेन क्या द आइडिया टू डी द डेमोक्रेटिक सेटअप पहले क्या था पहले द डेमोक्रेटिक सेटअप वाज डिवाइडेड ऑन टू लेवल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट हाउएवर वी आर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हाउएवर लुकिंग एट द डाइवर्सिटी इन इंडिया रीजनल डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इकोनमिक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वेरिंग डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी एरिया एट क्या होता है कि अभी भी जो स्टेट लेवल पर भी जो है अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो है अपनाई जा रही थी देफो टू इंश्योर टेशन एज वेल एज इन कॉपोरेशन ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब्स हो या वीमेन हो आपकी इस तरह की लोकल सेल्फ गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी सेकेंडली यह माना गया दिस वेल्प अप इन बिल्डिंग एफिशेंट लोकल इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करेंगी ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाएंगी बाय बिकॉज जितनी ज्यादा क्लोजर टू द पीपल गवर्नमेंट होगी जितनी ज्यादा माइन्यूट लेवल पे गवर्नमेंट होगी उतनी ज्यादा जो है वो कनेक्टेड होगी लोगों से उतनी ज्यादा बढ़ सकती है द कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑल्सो टू गेट इन्वॉल्व इन सच डिस्कशन एंड डिबेट्स जिसके कारण मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स बिकम्स मच मच इजियर राइट सो इट्स मच इजियर फॉर से पीपल इन विलेजेस और सिटीज to be concerned with the development in their local areas because उनके आंखों के सामने हो रही है directly उनको impact कर रही है प्लस क्योंकि वहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशंस के लोग उनके जैसे बात करते हैं उनको वो जानते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं पीपल विल बी मच मोर इन्वॉल्व्ड एंड इनकरेज इन टू हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड बिकमिंग मोर पार्टिसिपेटरी इन सच डेवलपमेंटल इशूज रादर देन से ऑन अ स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल बिकॉज वो ज़्यादा ही हायर अप हो जाता है एंड इतनी माइक्रोविजन हर किसी के पास जो है अवेलेबल नहीं होती नाउ now we come to the concrete points of कि किस तरह से इन्होंने deepen ki है हमारी democracy now the first point that we can talk about is decentralization of the idea of democracy itself right ab gandhi ji ne apne oceanic circles ke idea ke andar jo apne panchayati raj led ram rajya ka model banaya tha uske andar at the very heart of this model was what the panchayati raj institutions right this idea has been brought forward has been brought to life through the 73rd and 74th amendment acts jinke andar kai aise important features available here that ensure greater participation of the people right for example gram sabhas ward meetings right holding regular elections is there se kya ho raha hai? that people residing in those local areas can become Active participants in policy formulation and implementation. Very, very importantly, Richard Mahapatra also argues that when we look at ancient modes of governance in India, they replicate but with greater powers गई 73rd and 74th Amendment. Next, very importantly, how it has also led to deepening of democracy is by allowing for greater. डेलिबरेशन राइट ना हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं जहां पे हम कहते हैं कि सिर्फ पार्टिसिपेशन ही नहीं है बट लोग एक्टिवली एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं इंटरैक्ट करते हैं डिस्कस करते हैं इन इंश्योरिंग दटर थॉट आउट पॉलिसीज आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड राइट सो इसी तरह हम कैसे इसको पॉल साइंस और बना सकते हैं बाई इंटरलिंकिंग विथ अदर थिंकर्स ऑल्सो तो यहाँ पे ग्रेटर डेलिबरेशन

द ग्राम सभाज बा थर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो कि रूरल एरिया के लिए हैं विलेजेस के लिए हैं एंड द वार्ड कमिटीज एज पर द सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट इंक्लूडिंग ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड द मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटी हेल्प टू क्रिएट वॉट हेल्प टू सिक्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डेलिब्रेशन स्पेशली विद रिगार्ड टू डेवलपमेंटल वर्क एंड पॉलिसीज टू इंश्योर कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये रूटेड है इन टू द नीड एंड डिमांड्स ऑफ द राव एंड प्रोमिता सनयाल करते हैं किस तरह से ग्राम सभावर्ड दैलोर दे आर एक्सेस टू पब्लिक गुड्स एंड सर्विस जो कि गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस करती है डेमोक्रेसी इज डिपेंड बाई दूस ऑफ बोथ PRIs and ULBs is to ensure greater participation of vulnerable communities. Now, the vulnerable and marginalized sections of the population, be it scheduled castes, be it scheduled tribes, or be it women, often suffer from double whammy. What is this double whammy? when ja policy is discussion ho is oftentimes they are ignored, their voices are ignored, their opinions are ignored. सेकेंड जो वहमी होती है इज इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पे अगेन बिकॉज ऑफ दबल सिटुन एज वेल एज लिमिटेड एक्सेस टाइम्स पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज़ मेंट फॉर देम आर ऑल्सो नॉट डिलीवर्ड टू देम बिकॉज ऑफ करप्शन एंड लीकेजिज वी से ब्रिंगिंग डिमोक्रेसी टू द ग्रास रूट बाई पी आर आईज एंड यू एल बीज हैज ऑल्सो हेल्प इन Of these vulnerable and marginalised groups of population, right? How has this been done? A via reservation. So we know a number of panchayats not only have reservation of seats for Scheduled cars and Scheduled drives but also the idea of thirty-three percent reservation for.

यू नो प्रेजिडेंस है पंच है वहां पे ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड इन पब्लिक सेक्टर गुड्स सो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन टॉयलेट्स इन हर जगह जो है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड जहां पे विमेन की पार्टिसिपेशन इन पंचायत जो है है रिपोर्ट बाय प्लानिंग कमीशन ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि किस तरह से जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट है मार्जिनलाइज सेक्शन की वो बेहतर हो गई थी ड्यू टू दियर पार्टिसिपेशन इन दीज सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन सो यू पुट द पॉइंट फॉरवर्ड एंड देन यू बैक योर आर्ग्यूमेंट विथ क्रेडिबल स्टडीज एंड रिपोर्ट नेक्स्ट आप वेरी इंपॉर्टेंटली वे दैट डेमोक्रेसीड इस थ्रू इंक्रीज आउटरीच एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज

अगर हम कोई स्कीम लेके आ रहे हैं कितनी ज्यादा वो चल पाएगी फॉर अ पर्टिक्युलर सेट ऑफ पीपल साथ ही साथ में मॉनिटर करना अगर एक्चुअली रीचिंग द पीपल ऑल्सो और नॉट इनफैक्ट इसके चलते हुए अ ग्रेट एग्जाम्पल कैन बी कोविड नाइन्टीन पैंडमिक ठीक है तो कोविड नाइन्टीन के पैंडेमिक में पर्टिकुलरली द रोल ऑफ दीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को लेकर डिबेट जो है बहुत ज्यादा उभर के आ गई एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में दत्त एंड फिशर ने पॉइंट आउट किया दैट फॉर सच ह्यूज प्रॉब्लम्स एंड इशूज चाहे वो कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक हो कोई और आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक या पैंडेमिक हो या कोई नेचुरल डिजास्टर हो लोकल गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्ड जो है हमेशा बेटर होगा कैसे बेटर होगा सबसे पहले तो दे आर मोर क्लोजली कनेक्टेड टू द पीपल सो दे आर एबल टू नेविगेट द कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक लोकल कंडीशन दिस इज समथिंग दैट इवन जेम्स मैनर हैज सेड इन हिज है फॉर एग्जांपल आइडिया के अगर मुझे पता है कि मेरे एरिया में देर इज अ टेंडेंसी ऑफ वैक्सीन स्पेशली अमंग से सर्टन ग्रुप पीपल तो क्योंकि लोकल इंस्टीट्यूशन को ये ऑलरेडी पता है वो जाके उन लोगों से पहले बातचीत कर सकते हैं

जो इश्यूज मैं फेस करूंगी वो वो भी फेस करेंगे अगर ड्राउट ड्राउट वाली सिचुएशन से मुझे पानी नहीं मिल रहा है तो इस इंसान को भी नहीं मिल रहा होगा सिमिलरली अगर कोविड का आउटब्रेक होता है एंड माय फैमिली सफरिंग वो तो इम्यून नहीं है वो इतनी कंटेजियस डिजीज है कि उन पर भी इम्पैक्ट होगा देफो ऑफन दीज आर कंसिडर्ड मोर लेजिट बिकॉज ए पार्टिसिपेशन ज़्यादा है एम्बेडेड ज्यादा है सोसाइटीज़ में एंड लोकल लोगों से ही ये कंप्राइज

ऑन द इंटायर डेमोक्रेटिक वर्किंग ना लोकल बॉडी इलेक्शन के थ्रू नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है मल्टीपल एंड डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग जो है पार्टिसिपेट कर पाते हैं बिकॉज ये एकदम ग्रास रूट लेवल पे होता है जिसके कारण वो वोटर्स के साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर नरेंद्र सुब्रमण्यम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कहते हैं दैट बिकॉज सच डाइवर्सिटी ऑफ पीपल आर ओनली एबल टू कम मेनली इन द लोकल इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स जो है प्लूरलिज्म जो है उसको बढ़ा सकती है बट लेटिंग पीपल ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टीज के रंग इन फैक्ट वी टॉक अबाउट कि किस तरह से नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बॉटम एंड रीच द टॉप रंग वाई बिकॉज दे आर द वस वूली कनेक्टेड विद द पीपल एंड अंडरस्टैंड हाउ द ग्रास रूट वर्क Similarly kya hota hai? Now another in the democratic and developmental setup, a huge role is played not just by the political executive but also the permanent executive which is bureaucracy. Now active and thriving local institutions can also keep a check के जो bureaucracy है, उनको जो mandate दिया गया है, जो उनको काम करने हैं, वो उनको properly करते हैं and corruption and बाकी जो issues होते हैं of non-delivery, malfeasance, malgovernance, उनके ऊपर भी check रख सकते हैं ये bureaucratic सेटअप ठीक है तो इस तरीके से भी ये डेमोक्रेसी और इसकी जो आउटपुट लेड अप्रोच है उसमें हेल्प कर सकते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंटली डिस्पाइट देम इंपॉर्टेंटलीफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एंड इन द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देर आर सर्टन हर्डल्स दैट आर फेस्ड बाय बोथ बाई बोथर वेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग दर इंपैक्ट एंड इंक्रीजिंग द डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की पोटेंशियल ऑल्सो ऑफ दीज बॉडीज

राइट right? ये ट्रिपल एफ को आप हमेशा याद रखिए कोई भी ऐसा इशू के बारे में आता है ना क्वेश्चन आपने ये ट्रिपल एफ तो जरूर लिखना है ना व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हम देखते हैं सबसे पहले तो स्टेट लीडरशिप एंड ऑफिशल तो देर इज ऑलवेज अ हेजिटेंस ऑन पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू फर्दर डिवॉल्व देर पावर्स एंड लेट पी आर आईज एंड यू एल बीज बी मोर एफिशेंट बी मोर पावरफुल एंड हैव ग्रेटर फंक्शंस टू परफॉर्म So, even with respect to the number of the, aapko pata hoga, as per the 73rd and 74th amendments, the 11th and 12th schedules contain certain list of subjects which are to be performed by the urban local bodies and the Panchayati Raj institutions. However, what happens is that a number of times these functions are not devolved, are not let by the state governments to be performed by

बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के साथ वो डील करते हैं से ड्रिंकिंग वाटर अगर पहुंच जाना हो तो कैसे उनके उनको पता तो होने चाहिए ना साइंटिफिक यू नो सर्टेन क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे जो है पोर्टेबल हो सकता है पानी कहाँ कहाँ चीज़ें चेक कर सकता हूँ टू इंश्योर कि इंश्योरेशन ना हो नहीं तो इस तरह की स्किल ट्रेनिंग जो है नहीं की जाती देन माहिपाल जो है अपने आर्टिकल कास्ट एंड पेट्रिया के अंदर भी पॉइंट आउट करते हैं दैट इवन दिज एफर्ट्स टू इंश्योर ग्रेटर वुमेन पार्टिसिपेशन ऑल ऑफ दिस हैज बीन एक्सट्रीमली दिसमलीड इन

एरियाज इसके अलावा आपका पैसा एक्ट जो था विच वॉज एक्सटेंशन पंचायत पंचायत की एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज दैट हेज ऑल्सो इंजॉय एक्सट्रीमली लिमिटेड सक्सेस एंड जो सोशल एंड एकमिक रिफॉर्म उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की थी पर्टिक्यूलरली फॉर ट्राइबल्स इन दी शेड्यूल्ड एरियाज उसका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सक्सेस रहा है हेड जब भी, भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जरूरी है आप में अपनी study में करते हैं कि जरूरी है that we now come to ही नहीं बल्कि इंश्योर करे पावर डेल्यूशन भी राइट दैट इज दब्जेक्ट दू एलोज के

ऑफ ग्राम सभा मीटिंग्स उनको बढ़ाइए इंक्रीज करने के लिए पार्टिसिपेशन सो माइट भी पीपल जो कि अटेंड नहीं कर पाते काम कारण के कारण बाहर गए हुए हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जो है इंश्योर कीजिए ताकि इंसान जहां भी बैठा हो वो इन मीटिंग्स में हिस्सा

उनको भी मौका मिले वहां पे बैठने का साथ ही में कैपेसिटी बिल्डिंग हो दोनों ही पी आर एंड यूएलबीज के मेंबर्स की भी ताकि वो इफेक्टिवली अपने काम निभा पाए अपार्ट फ्रॉम दिस द वेरी लेटेस्ट इंडिया का जो इंडिया 75 रिपोर्ट जो कि नीति आयोग की आई आयो है उन्होंने ये अंडरलाइन किया है कि इंडिया के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के पास बहुत बड़ा स्कोप है इन इंप्रूविंग द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी

सिविक एंगेजमेंट इससे बढ़ जाती है ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर कर सकते हैं एंड इसके थ्रू ना ही आपके फंड्स इंक्रीज होंगे बट आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है इन दो एरियाज वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईशर जज आज आलू वालिया जो है आर्ग्यू करती हैं दैट इंक्लूजन ऑफ अ थर्ड इन योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर

स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि देखिए पहले बता दिया नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है ये काफी प्रॉब्लम्स काफी हर्डल्स विटनेस कर रहा है ए चैलेंजेस क्या है एंड इनको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं नाउ सिमिलर क्वेश्चन माइट एंड अप कमिंग इन आल्सो राइट तो आप ऐसे क्वेश्चन को पी कैसे ओरिएंट करेंगे ए यू कैन इंटरलिंक इट विथ थ्योरीज ठीक है एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है कि भैया आप स्कॉलर को कर दो कोट मैं कह रही हूं कि वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल वेन इट कम्स टू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज देर आर दीज थ्री पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हु टॉक्ड अबाउट दिस राइट या फिर इस रिपोर्ट में या इस सर्वे के अंदर ये बात हुई और इसको मैं आंसर में कोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ टू मेक इट मोर ऑप्शनल ओरिएंटेड अनादर पॉइंट इज दैट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर एनी स्कॉलर हाउ कैन यू इट विथ दर थ्योरीज विद योर पोलिटिकल थ्योरीज टू मेक योर आंसर मोर ऑप्शनल ओरिएटेड इन फैक्ट दिस इज वॉट आई टीच यू इन दिस आंसर नाउ एट द हार्ट ऑफ दिस इशू इज वॉट द इशू ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटी राइट्स तो माइनॉरिटी राइट्स को हम मल्टी कल्चरलिज्म के साथ जो है असोसिएट कर सकते हैं थ्योरिज जो कि ग्रुप राइट्स एंड उनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं उनसे असोसिएट कर सकते हैं एंड इन दैट इन दैट वे पोलिटिकल थ्योरी के कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनको हम ला के यहाँ पर कोर्ट कर सकते हैं Another very important चीज़ जो कि आपने में में भी करनी होती है, but options में तो करनी करनी है अब देखते हैं हमने किस तरह से बात की सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया ये आंसर जो है विद रेफर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड वाइट प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट सो वी कैन रेफर टू से मल्टी थ्योरिस्ट लाइक विलकम लिका आयरिस मैरियन And इनको रेफरेंस करने के बाद देन वी कैन मूव टूवर्ड्स कि किस तरह से एनसीएम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एनवे बनाया गया था इसी काम को इंश्योर करने के लिए बिकॉज इंडिया सो टू बी अ मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी देन वी मूव टूवर्ड्स बॉडी के अंदर जो मेन एस्पेक्ट ऑफ द्वेश्चन है कि कौन से चैलेंजेस फेस करती है एनसीएम और यहाँ पे आपने सब्सटैंशियट करना है एग्जाम्पल्स के साथ रिपोर्ट्स के साथ स्कॉलरली के साथ देन यू कैन मूव अगेन पे चैलेंजेस में आपने बहुत ही थीमेटिक वे में आगे बढ़ना है कि किस तरह के चैलेंजेस है जो कि एनसीएम फेस करती है क्या ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है क्या ये केपेबिलिटी चैलेंजेस है क्या ये ऑटोनॉमी चैलेंजेस है तो इस तरह से सब हेडिंग्स बनाइए उसके अंदर फिर जो है पॉइंट्स लिखिए देन यू मूव टू वर्ड रिकमेंडेशन किस तरह से इन चैलेंजेस को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इंस्टीट्यूशन को क्योंकि यहाँ पे अड्रेसल की भी बात की है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन कंक्लूड बाई अगेन रेफरिंग टू वन ऑफ द पोलिटिकल थियोरीज इन द एंड टू सबस्टैंडियट दट वाई री एड्रेस ऑफ दीज इशूज इन द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज इम्पॉर्टेंट ठीक है अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था हमने यही किया है विल किम्लिका एंड आयरस मैरियन यंग दोनों को हमने रेफर किया तो विल किम्लिका एंड आयरस मैरियन यंग टॉक अबाउट वॉट दैट इन मल्टी कल्चरल सोसाइटीज यू रियली हैव टू लुक एट ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स एंड इंश्योर इन की डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप जो है तभी ट्रूली डेमोक्रेटिक होती है अगर ऐसे ग्रुप्स के पास स्पेशल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अवेलेबल हो ना इन फॉलोइंग विद दिस मल्टी कल्चरल थीसिस

certain institutions have also been formulated to ensure that the special rights guaranteed to the minorities and their welfare is protected and taken care of Right? so what, what is this institution? this is the statutory institution of national commission for minorities, which was made under a, the same act, the national commission for minorities act of 1992, which seeks to provide and be a watchdog for the protection and safeguards of hamari jo identified a minority communities. which are these communities? muslims, sikhs, christians, buddhists, zoroastrians and jains. तो क्योंकि तीस साल हो गए तो ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है सो डिस्पाइट थर्टी ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस अभी भी ये बॉडी अ नंबर ऑफ चैलेंजेस फेस करती है एंड विच लीड्स टू क्रिटिसिज्मीपल लेवल चेक एंड इम्प्लीमेंटेशन नाउ यहाँ पे असमा जहांगीर आरग्यूज दिस्पाइट द फैक्ट के दोनों ही इंडिया के लीगल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश की है टू सेव गाइनॉरिटीज थ्रू द क्राइटेरियान पॉजिटिव सेक्यूलरिज्मेड फ्रॉम स्टेट लेवल इन्फोर्समेंट टू स्टेट के लेवल पे जो इन्फोर्समेंट हो रहे थे माइनॉरिटी राइट्स की टू ऑल्सो दशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट एंड दटैक्स ऑन माइनॉरिटीज सो बहुत हर जगह जो है फ्लाउट हुआ है यू एन की रिपोर्ट में जो है ये फ्लाउट हुए हैं सिमिलरली आप ट्वेंटी ट्वेंटी टू की यूएस की भी जो रिपोर्ट आती है ऑन स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स आप उसकी भी बात कर सकते हैं दैट एवरीवेयर इंडिया हैज़ बीन पुल्ड स्पेशली फॉर द पुअर स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट टच वायलेंट एक्ट्स राइट तो ये वायलेंस चाहे यूपी में हुई हो चाहे ये जे एंड के में हो रही हो चाहे ये किसी भी स्टेट में हो रही हो चाहे उड़ीसा में क्रिश्चियंस की अगेंस्ट हो रही हो यूपी में मुस्लिम्स की अगेंस्ट हो रही हो इन अटैक्स के कारण जो है आपका जो ऑफ माइनॉरिटीज़, बिकॉज़ इट हैज़ नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, उसके ऊपर जो है एक मेजर इशू निकल के आता है देन इशू फेसिंग दिस इंस्टीट्यूशन इज द लैक ऑफ कंक्रीट पावर्स नाउ नंबर ऑफ स्कॉलर आरग्यू दिसका एक स्टैचूटरी स्टेटस है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज uh, के पास बहुत सारी पावर्स लैकिंग है एग्जाम्पल right? so इशू का राइट right? कि मतलब खुद जो है हमने उठा लिया कि भैया ये इशू हुआ है सो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट ठीक है साथ ही साथ में अपनी कोई इनके पास पावर नहीं है किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ इधर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बोलने की कि अच्छा ये इशू हो रहा है आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन कीजिए और देखिए क्या इशूज जो है परसिस्ट कर रहे हैं ठीक है साथ ही साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इनके जितने भी कोई रिकमेंडेशन आते हैं वो नॉन बाइंडिंग रहते हैं द स्टेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड नॉट नेसेसरली एडियर टू दैम इन टेकिंग आफ्टर द प्रोटेक्शन लुकिंग आफ्टर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज देन देर इज ऑल्सो द इशू ऑफ लैक ऑफ कंसल्टेशन बाय द गवर्नमेंट एंड इवन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर ये आइडिया लगा हुआ है कि आपने प्रोटेक्ट करना है वाई यू पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री विद इक्वल सिटीजनशिप फॉर वन और ऑल बट उसके बाद भी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कोई एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है दैट दे हैव द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन कंसिडरिंग माइनॉरिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर उनकी डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हार्डली दे आर कंसिडरेशन जी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अकेन कोट कर सकते हैं जैसे कि सच्चर कमिटी के जो है इतने सारे उन्होंने इश्यूज पॉइंट किए थे विद रिस्पेक्ट टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स जहाँ पे सच्चर कमेटी ने ये तक बोला था दैट इन सर्टन एरियाज द स्टेट ऑफ मुस्लिम इज इवन वर्स ऑफ Then, the state of scheduled castes and scheduled tribes. Then, very importantly, there are capacity related challenges that exist in National Commission for Minorities. There are three major challenges connected: hai. Se pahle, human resource deficiency, where very importantly there are a number of vacancies, adequate staffing, hoti, and in fact, this was even worsened during the COVID-19. पैंडेमिक क्राइसिस जहाँ पे there was complete vacancy till the time दिल्ली हाई कोर्ट ने पुल नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट को and finally these offices were filled then very importantly limited role of state level minority commissions जिनमें से बहुत ही कम constitute की गई है हर state ने अभी तक इनको सेटअप भी नहीं किया है and even the states which do have आपके state level की minority commissions they are woefully understaffed and remain dysfunctional

देन सेकेंडली नॉन रिड्रेसल ऑफ अग्रीव आंसिस ऑफन टाइम्स जो है कई डिस्प्यूट्स को तो कई इशूज को जो है वो कंसिड्रेशन में ही नहीं देते एक्सेप्ट ही नहीं करते इग्नोर ही कर देते देन वेरी इंपॉर्टेंटली लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन स्कड्यूल्स ऑफ हेयरिंग अब बेचारे विक्टिम्स कितनी बार कहाँ कहाँ से उठ के आपके नेशनल कमीशन तक आए इट्स नॉट ईजी टू रीच दम राइट स्पेशली इफ देआर कमिंग फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड बिंग इंपैक्टेड विद सच फ्लाउटिंग ऑफ राइट्स राइट तो हर शेड्यूलिंग ऑफ हयरिंग्स में आना जो है ऊपर से अगर आप इतने डिलेज इतने इश्यूज क्रॉप अप करते रहोगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट देर इज अन अब्जेक्ट वेस्टेज ऑफ बोथ टाइम एंड मनी फॉर पीपल जो कि इतनी दूर से चल के आ रहे होते हैं तो आप टेक्नोलॉजी का यूजेज कीजिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सब के थ्रू जो है उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि अभी भी मिसिंग है एनसीएम से इन सब के कारण इन सब के बाद जो एक और इशू जो कि निकल के आता है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज पर्टिकुलरलीफ पार्टमेंट ऑफन टाइम्स दटोनॉमी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज चैलेंज बाई बे इन विच अपॉइंटमेंट इज मेनलीफ द डे ठीक है सो ऑफन द पीपल नॉमिनेटेड अपॉइंटेड टू दीज पैनल एंड आफ टोइंग गवर्नमेंट लाइन जिसके कारण जो है राधर देन बींग्स ये जो है बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होके रह जाती है एंड जो इनको काम करना होता है ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स उनको परफॉर्म नहीं कर पाती है अनादर मेजर इशू जो कि निकल के आ रहा है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज द इशू ऑफ टेबलिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट सो एनुअली पार्लियामेंट के सामने जो है इनको रिपोर्ट टेबल करनी पड़ती है कि क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे माइनॉरिटी राइट्स के रिगार्डिंग और उनकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग एंड क्या एक्शन लिया गया इनफैक्ट 2010 टेन ऑनवर्ड जो है ये टेबल नहीं किए गए हैं रूटीनली बस इनके रिकमेंडेशन आते हैं या तो इनको सिंपली फाइल अवे करके भूल जाते हैं या फिर ऑल टूगेदर इनको रिजेक्ट ही कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट

Credible suggestions with regard to safeguarding of minority rights, nahi provide kiye ja by the National Commission for Minorities. Right? Now, despite all these issues, there are certain recommendations or certain ways in which the National Commission for Minorities can also help itself become better. The first point is that of regular staff assessment. तो एट रेगुलर रेगुलर इंटरवल्स क्या करना चाहिए देखना चाहिए कि कितने कंप्लेन्ट्स आ रहे हैं कितने इशूज़ आ रहे हैं एंड क्या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के पास एडिक्वेट स्टाफ है टू अड्रेस दीज इशूज वेरी इम्पोर्टेंटली अडोप्शन ऑफ वट दे कॉल इज सैटिस्फैक्शन सर्वे इसका मतलब क्या होता है कि जो विक्टिम्स हैं जो कि अप्रोच करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को लाइट इन अ कम्प्लीटली अनोनमस फीडबैक वे उनसे एक सर्वे कराया जाए कि जिस अपील को आप लेके आए थे वॉज इट लुकड ऐट क्या आप सैटिस्फाइड है विद द रिजल्ट जिससे अगेन हमको प्रॉपर डाटा मिल पाएगा कि क्या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ अपना काम ढंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं या

उनको भी ग्रेटर स्टेटस देने की जरूरत है मे बी इवन कन्वर्ट देम इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है सो so, एक उसकी ऑटोनॉमी एंड स्टेटस बढ़ाने के लिए मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जो है उनको दी जा सकती है। In fact, जो है, जो ये recommend करते हैं आप इनको merge करके एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उसको बना दीजिए नंबर ऑफ ये जो अप्लाई टू नंबर ऑफ अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑल्सो बिकॉज सिमिलर प्रॉब्लम जो है ये सारे के सारे बॉडीज फेस

इवन दो जो गवर्नमेंट है एक पॉपुलर मेजॉरिटी से इलेक्ट होके आती है पॉपुलर मेजॉरिटी की उनकी बैकिंग है बट जरूरी है दैट इवन दिस पॉपुलर गवर्नमेंट अडियर्स टू माइनॉरिटी राइट्स ओनली देन कैन वी बिलीव दैट अ डेमोक्रेसी इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी इज ट्रूली सक्सेसफुल ज़रूरी है कि इंडिया अपनी ये डाइवर्सिटी एंड सैलेड बोल की जो माइनॉरिटीज की इंक्लूजन है जहाँ पे हम रिस्पेक्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उनके डिफरिंग राइट्स को हम इसको बरकरार रखें एंड नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को और स्ट्रेंथन करें टू इंश्योर कि ये जो प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज़ है इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया रख किया, किया जा सके ठीक है सो ऑन दिस नोट आ सेकेंड आंसर कम्स टू एन एंड क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन एग्जामिन दबजेक्टिव एंड रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया ये ऊपर ये नहीं आएगा पॉजिटिव ह्यूमन राइट इन इंडिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अब अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को आपने ऑप्शनल मटेरियल कैसे बनाना है ये जरूरी है सबसे पहले ऑब्वियसली यू कैन रेफर टू द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स टू द लार्जर थ्योरी ऑफ राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स जो कि आप करते हैं एंड बाय रेफरिंग टू दैट पॉलिटिकल थ्योरी उसके बाद आप एनएचआरसी को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन बॉडी अब बात की गई है रोल की जीएस टू में ऑफिन क्या होता है कि जो लक्ष्मीकांत रोल उनके फंक्शंस बता देता है ना वो ही लिख देते हैं यहाँ पे फंक्शंस ही बोला गया यहाँ पे रोल बोला गया है कि मतलब कितने हद तक वो उन फंक्शंस को ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं किस तरह का रोल रहा है पॉजिटिव रोल रहा है नेगेटिव रोल रहा है तो हम दोनों को ये पॉइंट आउट करेंगे कि क्या पॉजिटिव रोल रहा है कि किस तरह से उन्होंने ढंग से फंक्शन परफॉर्म किए एंड यहाँ पे जरूरी नहीं है आप एक एक फंक्शन जो उनका रट के आए ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए उसको सब्सटैंशिएट कीजिए विद स्कॉलर्स रिपोर्ट एंड एग्जाम्पल्स देन क्या नेगेटिव रोल रहा है क्या इश्यूज रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देम परफॉर्मिंग दंक्शन एंड देन वी कैन कंक्लूड ऑन वे फॉरवर्ड ठीक है तो यहीं पे हमने किया है हमने शुरुआत किससे की हमने लास्की की थ्योरी से जो है शुरुआत की है लास्की क्या बोलते हैं कि राइट्स क्या है राइट्स कहते हैं वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी इंसान अपनी बेस्ट पॉसिबल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जी सके थ्रू दी एग्जिस्टेंस ऑफ दीज राइट्स इन फैक्ट ह्यूमन राइट इस तरह के राइट होते हैं विच आंट इवन लिमिटेड बाई टेरिटोरियल बाउंड्रीज और लेजिस्लेटिव एंड पोलिटिकल सिस्टम बट इन फैक्ट यूनिवर्सली अवेलेबल होते हैं टू वन एंड ऑल ऑन अकाउंट ऑफ बींग ह्यूमन डेम कि आप एक ह्यूमनली लाइफ भी तब तक नहीं जी सकते हो जब तक आपके पास ये बैर मिनिमम राइट नहीं होते हैं Therefore,

फॉलो आप कर सकते हैं in अगर आप ये वर्ड्स याद रखेंगे ना आप ऑब्जेक्टिव को याद रख सकते हैं आपने जरूरी नहीं है बहुत बुकेश लैंग्वेज लिखनी है अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे और ये सही बातें आप लिख रहे हैं यू विल गेट मार्क्स स्ट्रेंथन क्या क्या मतलब हुआ स्ट्रेंथन करना जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है एंड एड्रेस करना कोई भी इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो कि आते हैं देन इन्वेस्टिगेट करना जहाँ पे भी एक्सेसेस हुए हैं या किसी भी तरह से फ्लाउटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स हुए हैं उनके अंदर साथ ही में कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन करना जो एफर्ट्स ऑलरेडी कर दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखने के लिए उनको फर्दर कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना है सो अ नंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूडेड है देन डीपीएसपी के अंदर भी दिए गए हैं तो नंबर ऑफ सच राइट जो है एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी हाउ इनको कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन करना जो है एक और चीज है जो कि हमारी एन प्रोवाइड करती है वे बीन रोल ऑफ एन एच आर सी पहले पॉजिटिव रोल की बात करते हैं सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंटली सो मोटो मतलब ऑन इट्स ओन भी साथ ही में विध रिस्पेक्ट टू सर्टन रिपोर्ट या कोर्ट ने उनको बोला हो कि आइए आप इंटरवीन कीजिए एनएचआरसी ने काफी ज्यादा <coughs> एक पार्टिसिपेशन किया है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पर यू कैन गिवन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स तो फॉर एग्जाम्पल चकमा रेफ्यूजीज को जो रिपोर्ट करने जा करने की कोशिश की गई थी नाइनटीन नाइनटी एट में उसको प्रिवेंट करना सिमिलरली गोधरा राइट्स के टाइम पर विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के अंदर मनासिब रोल था देन अगेन अगर हम आजकल में भी बात करें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल के अगेंस्ट जो एक सेक्शुअल हेरसमेंट की रिपोर्ट आई थी बाई वन ऑफ द साइक्लिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन उसके अंदर भी एन एच आर सी जो है इन्वॉल्व हुआ है िन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और लेजिस्लेश और रिकमेंड करता है कि और किस तरह के हम लेजिस्लेश लॉस पॉलिसीज ला सकते हैं टू फर्दर स्ट्रेंथन ह्यूमन राइट यहाँ पे आप अगेन एक एग्जाम्पल दे सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इन फैक्ट एक स्टडी जो है कमीशन की गई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन एंड बाकी जितनी भी स्कीम्स एंड पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं विज वी वेरी इंपॉर्टेंटली योर यू एन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन ये सी डॉ से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन पॉलिसीज एक्सेट्रा एंड एन एच आर सी ने अपनी स्टडी में बताया दैट डिस्पाइट हैविंग सो मेनी लेजि लॉज पॉलिसीज वुमेन आज भी इन इंडिया रिस्ट्रिक्टेड है इन ऑल स्पेज ऑफ लाइफ विद सोशल फेयर इकोनॉमिक फेर और पोलिटिकल फेर सो आप ऐसे रेलिवेंट एग्जाम्पल जरूर एड कीजिएनएचआरसी अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंडक्टिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द डोमेन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू में फॉर कोर ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट एसेट्रा बिठाया पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट तो एनवायरमेंट को कैसे right, हम इंश्योर कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा है बहुत सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि किस तरह से बीस बीस साल तक जो है लोगों की एज कम हो रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया ठीक है इसके अलावा जो एन है इन्होंने विक्टिम्स को रिड्रेसल एंड कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने में भी एक मेजर रोल प्ले किया है इनफैक्ट 2010 ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू का जो डेटा है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये बताते हैं कि एन ने टोटल मॉनिटरी कॉम्पनसेशन ऑफ ओवर थ्री करोड़ दी है इन फायरिंग एंड इनकाउंटर रिलेटिंग जो आपकी डेथ्स है सो so, तीन करोड़ इन फायरिंग रिलेटेड पुलिस फायरिंग जब उन्होंने कर दी थी एंड क्लोज टू ट्वेंटी टू करोड़ इन एन एच आर सी ने परफॉर्म किए हैं हाउएवर देर आर ऑल्सो सर्टन चैलेंजेस देर ऑल्सो सर्टेन ड्रॉबैक्स दिन एच आर सी फेसेस जो कि, कि इनके रोल को कंस्ट्रेन करता है कौन से है ये इशू सबसे पहले स्ट्रक्चरल लिमिटेशन अब बहुत सारी आप रिपोर्ट्स को कोट कर सकते हैं लोगों को स्कॉलर्स को पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को कोट कर सकते हैं जो कि हिंदू में प्रिंट में इंडियन एक्सप्रेस में टाइम एंड अगेन आर्टिकल लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू क्या कहते हैं कहते तो सबसे पहले तो इनकी पावर सिर्फ रिकमेंडेटरी नेचर है तो गवर्नमेंट इनको सुने तो सुने नहीं सुने तो कंप्लीटली इग्नोर कर सकती है देन वेरी इंपॉर्टेंटली इवन दो एन एच आर सी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन क्रेडिबल रिसर्च हैज हैजॉक्ट अबाउट मॉडल असाइलम लॉस फॉर एग्जाम्पल जब आपके रोहिंग्यास के प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया के पास कोई साइलम लॉ है ही नहीं तो एनएचआरसी ने बहुत सारे ऐसे सजेशन किए हैं डेकेट अगो किए हैं बट नथिंग हैज बीन डन अबाउट दैम देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक मेजर लिमिटेशन और स्ट्रक्चरल लिमिटेशन जो कि एग्जिस्ट करती है कि एन एच आर सी के पास कोई पावर नहीं है टू लुक इन टू अ कंप्लेन अगर एक साल से ऊपर हो गया है सिंस दैट इंसिडेंट अकर्ड राइट right, साथ ही साथ में कॉलिन कॉल इन गुजलो पॉइंटेड आउट टू द फ्लॉड प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग क्या बोलते हैं कि कंप्लेन को वेरीफाई करने के लिए उसी सेम पुलिस स्टेशन के पास जो है वो पूछने जाते हैं जिस पुलिस स्टेशन ने उनको उस विक्टिम को जो है इग्नोर किया था और उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं की थी राइट right, तो अगर आप उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं तो वो ये थोड़ा बोलेंगे हाँ जी हम गलत है हमने इनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं की ठीक है तो ये बहुत सारे इश्यूज जो है एग्जिस्ट करते हैं Then very importantly is the issue regarding composition criteria. सबसे पहले तो कोई strict guideline है नहीं कि जो chairperson हो या कोई members हो उनके पास एक proper experience of human rights होना चाहिए right? बस बोलते knowledge of human rights होनी चाहिए तो तो ये कुछ भी हो कि मैं एक course करके बस चली जाऊँ हाँ जी मेरे को तो बहुत idea है human rights का regardless of मेरा past चाहे extreme flouting of human rights पे जो है based हो ठीक है in fact 2021 में the appointment of जस्टिस ए के मिश्रा एज आपके एन एच की चेयरमैन उसके कारण भी जो है काफी ज्यादा हल्ला हुआ था एन एच आर सी इंफ्रा एंड करता है एंड like In जो उनके लोग हैं वो भी डेप्यूटेशन पे कहीं और चले जाते हैं देन वेरी इंपॉर्टेंटली ट्वेंटी में एन एच आर सी ने खुद ये रिपोर्ट किया था दट डिस्पाइट अ मैसिव हाइक इन कंप्लेन उनकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 16.94 परसेंट से जो है इंक्रीज किए, इवन दो थाउजेंड परसेंट राइज जो है देखा जा रहा है इन द नंबर ऑफ कंप्लेन टू दैट दे आर रिसीविंग सो सिवियर स्ट्रक्चरल लिमिटेशन एंड कॉम्पोजिशन इश्यूज़ है इन बीइंग एबल टू टैकल ऑल दिस कंप्लेन देन वेरी इंपॉर्टेंटली मेनी अ टाइम्स ड्यू टू ऑफ ऑटोनॉमी

जाते हैं साथ ही साथ में एनएचआरसी में कोई पावर्स नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कि आर्म्ड फोर्सेस द्वारा किए जाते हैं जिसके कारण मणिपुर एंड जेएनके में जो आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द एनएचआरसी देन देर इज ऑल्सो द इशू ऑफ लैक ऑफ प्लूरलिज्म इन द पीपल हु आर विद इन दी एनएचआरसी 2017 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि अक्रेडिट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड उसने एनएचआरसी की रीअक्रेडिटेशन को होल्ड पे डाल दिया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लूरलिज्म उन्होंने है ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनकी स्टाफिंग में जेंडर बैलेंस नहीं है सो फॉर न्यूमर सच रीजन इट पुट इट इन पुट इट ऑन होल्ड इवन दो ट्वेंटी एटीन में दोबारा एग्रेडेशन जो है मिल गई थी एन एच को बट द फैक्ट एक साल उनको लिमिट किया गया राइट इट कम्स एज अ मैसिव एम्बेरसमेंट फॉर ह्यूज डेमोक्रेसी लाइक

नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में यूज किया है उसको आप यहां एनएचआरसी में भी यूज कर सकते हैं कि एनसीएम एंड एनएचआरसी को कंबाइन करके आप ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना लीजिए जो कि एनफोर्स कर सके अपनी रिकमेंडेशंस को एंड एनी इश्यूज व्हिच कम अप विद रिगार्ड टू फ्लाउटिंग ऑफ माइनॉरिटी ऑफ और ह्यूमन राइट्स के कोई भी इशूज देन कॉम्पोजिशन को भी जो है जरूरी है करेक्ट करना सबसे पहले तो कहते हैं एक्स ब्यूरोक्रेट्स स्पेशली जो है इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए साथ ही साथ में जिसको भी आप चाहे पर्सन बना रहे हो चाहे वो फॉर्मर जज हो या चीफ जस्टिस हो जरूरी है आप उनका पास्ट रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज जो है उसको इवैल्यूएट कीजिए देन दे आल्सो टॉक ऑफ अमेंडमेंट ऑफ लॉ 20 आपके 19 के अंदर एक बिल आया था विच वॉज पास जिसके थ्रू जो है नंबर ऑफ चेंजेस वो ब्रॉड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू तो, जो आपके चेयरपर्सन है एंड जो कॉम्पोजिश है राइट फॉर देन जस्ट चीफ जस्टिस उन्होंने बोला बहुत ही लिमिटेड पूल है चीफ जस्टिस चीफ जस्टिसिस ऑफ इंडिया का तो उन्होंने थोड़ा उसको ब्रॉडन कर दिया कि जजेस को भी अब आप चेयरपर्सन बना सकते हैं अब वो कहते हैं थोड़े से और जो है आप अमेंडमेंट्स लाइए जो कि कॉन्क्रेटाइज कर सके इनकी पावर को कि कोई भी अगर इन्फोर्समेंट एजेंट्स मिस करते हैं पावर्स को अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इंटरव्यू कर सके ठीक है प्रॉपर इनके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो ताकि वो इन सारे इश्यूज के अंदर जो है रिसर्च भी कर सके देन वेरी इंपॉर्टेंटली रिसोर्स एनहेंसमेंट इनफैक्ट पैरिस प्रिंसिपल्स ही रिक्वायर करते हैं कि एनएचआरसी कोई भी ह्यूमन राइट कमीशन अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनके पास ऑटोनॉमी हो गवर्नमेंट से ऑटोनॉमी साथ ही में प्लूरलिज्म हो एडिकुएट रिसोर्सेज हो इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड फंक्शनरीज ताकि वो अपना काम जो है प्रॉपरली निभा पाए और एन इन सारे डायमेंशन पे लैक करती है तो जरूरी है इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक एक्टिव रोल प्ले

टू दी एन एच आर सी एंड एनश्योर कि ह्यूमन राइट्स का जो फ्रेमवर्क है इंडिया में वो प्रॉपरली सेफ गार्डेड रहेन दिस नोट द थर्ड आंसर कम्स टू एन एन आई होप आप रेगुलरली आंसर लिख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं इन नोट्स इन आंसर्स को जो है इनके बेसिस पे और अपने नोट्स भी एनरिच कर रहे हैं बिकॉज इसी के थ्रू जो है आपको ये हेल्प कर पाएगा लाइक दिस वॉज ऑल इन द लेक्चर टूडे थैंक यू एंड सी यू टुमॉरो